السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أما بعد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म यानी शिर्क से आलूदा नहीं किया, उन्हीं के लिए अमन है और वही राह रास्त पर है। आज का जो हमारा मौजू है वो है तौहीद। हम जानेंगे इसमें कि अहले तौहीद जो हैं वो कौन होते हैं और तौहीद वालों की क्या फजीलत है, तौहीद कहते किसे हैं, और मज़ीद इसके बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। अबादा बिन सामित से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और उसका कलमा है जो उसने सय्यदा मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाला था, और वो उसी की तरफ से भेजी हुई रूह है, और ये के जन्नत बरहक है, जहन्नुम बरहक है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा ख्वाह उसके अमाल कैसे ही हों। सही है, में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स महज रजाए इलाही की खातिर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, अल्लाह ताला उस दोज़ख हराम कर देता है। अबू सईद खुदरी से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जिसके जरिए मैं तेरा जिक्र किया करूं और तुझे पुकारा करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। मूसा ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, ये कलमा तो सब बंदे पढ़ते हैं और कहते हैं, यानी उनके कहने का मतलब था कि मुझे कोई खास वजीफा बताइए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अगर सातों आसमान और उनकी मखलूक बजज मेरे यानी अल्लाह ताला के अलावा और सातों जमीनें तराजू के एक पलड़े में हो और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में हो, तो ये कलमा उन सबसे वजनी होगा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तुम मेरे पास जमीन भर गुनाह करके आए फिर तुम इस हाल में मुझसे मिले कि तू मेरे साथ किसी भी चीज को शरीक न ठहराए, तो मैं इसी कदर मगफरत और बख्शिश लेकर तेरे पास आऊंगा। जामे तिर्मिजी की रवायत है 3540 नंबर पर। आपके सामने तीन चार अहादीस रखी जिनसे हमें मालूम ये हुआ कि तौहीद वालों पर अल्लाह ताला का खास फजल है और तौहीद का सवाब जो है वो बहुत ज्यादा है। तौहीद का अकीदा गुनाहों का कफारा भी है, यानी जो बंदा तौहीद के इकरार और एतराफ में जिस कदर पुख्ता हो वो उसी कदर जन्नत में दाखिल होने का हकदार होता है, इसके अमाल ख्वाह कैसे ही हों। हजरत अब्दुल्ला बिन आम्र बिन आस कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला सारी मखलूक के सामने मेरी उम्मत के एक आदमी को लाएगा और उसके सामने गुनाहों के 99 दफ्तर रख दिए जाएंगे, हर दफ्तर हद निगाह तक फैला होगा। फिर अल्लाह ताला उस आदमी से पूछेगा, तू अपने इन अमाल में से किसी का इनकार करता है? क्या मेरे कातिबों ने तुझ पर जुल्म तो नहीं किया? वो आदमी कहेगा, नहीं अल्लाह। फिर अल्लाह ताला पूछेगा, तेरे पास कोई उजर है? वो आदमी कहेगा, नहीं या अल्लाह। अल्लाह ताला फिर फरमाएगा, अच्छा ठहरो, हमारे पास तुम्हारी एक नेकी भी है और आज तुम पर जुल्म नहीं होगा। चुनाचे एक कागज का टुकड़ा लाया जाएगा जिसमें अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तहरीर होगा। अल्लाह ताला अर्शाद फरमाएगा, नामा अमाल वजन होने की जगह चले जाओ। बंदा अर्ज करेगा, अल्लाह, इस छोटे से कागज के टुकड़े को मेरे गुनाहों के ढेर से क्या निस्बत हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाएगा, बंदे, आज तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों के ढेर तराजू के एक पलड़े में और कागज का टुकड़ा दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा, गुनाहों के दफ्तर हल्के साबित होंगे और कागज का टुकड़ा भारी होगा।
सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नाम से ज्यादा कोई चीज बारी नहीं हो सकती। तिर्मिजी की रिवायत है 2805 नंबर पर। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, तू जब तक मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे बख्शिश की उम्मीद रखेगा, मैं तुझसे सरजद होने वाले हर गुनाह बख्शता रहूंगा। ए इब्ने आदम, मुझे कोई परवाह नहीं कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान के किनारे तक पहुंच जाए और तुम मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं तुझे बख्श दूंगा। अल्लाह अकबर। ए इब्ने आदम, मुझे कोई परवाह नहीं अगर तू रोए जमीन के बराबर गुनाह लेकर आए और मुझे इस हाल में मिले कि किसी को मेरे साथ शरीक न किया हो, तो मैं रोए जमीन के बराबर ही तुझे मगफरत अता करूंगा। सुभान अल्लाह। तौहीद का मसला इतना अहम और बुनियादी है कि दुनिया में हर नबी जहां भी और जब भी आया, उसने सबसे पहले अपनी कौम या अपने इलाके के लोगों को तौहीद ही की दावत दी। जैसे अल्लाह ताला ने सूरत अल अंबिया आयत नंबर 25 में फरमाया, वमा अरसलना मिन कब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैही अन्नहू ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। ए पैगंबर, तुझसे पहले हमने जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ यही वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरी ही इबादत करो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तबलीग का आगाज इसी दावत तौहीद से किया, जब आपने फरमाया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। मुस्नद अहमद की रिवायत है 492 नंबर पर। लोगों, इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम फलाह याब हो जाओगे। तौहीद की अगर हम तारीफ की बात करें, तौहीद के लुगवी एतबार से लफ्ज तौहीद का मतलब है एक मानना, यकता कहना। तौहीद बाब वहदा युवाहिदु से मस्तर है, यानी बाब तफील से है। शरण अगर अकीदा तौहीद से मुराद देखी जाए, तो अकीदा तौहीद से मुराद ये पुख्ता एतकाद है कि अल्लाह ताला मौजूद है और वो अपने अफाल यानी रबूबियत, अस्मा व सिफात और इबादत यानी उलूहियत में यकता है, उसका कोई हमसर और शरीक नहीं। अकीदा तौहीद के बुनियादी अज्जा तीन है, तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। तौहीद की पहचान हासिल करना वाजिब है, क्योंकि तौहीद अव्वलीन मतलूबे खुदावंदी है। इस्लाम का पहला हुक्म है, किताब व सुन्नत में सबसे ज्यादा इसी का हुक्म दिया गया और तमाम अम्बिया और रुसल इसी की दावत लेकर दुनिया में मबूस हुए। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया, उन्होंने यहया बिन अमार से ये बात नकल की है कि इल्म की एक किस्म वो है जिसके बगैर बंदे की जिंदगी कामिल नहीं होती, और वो तौहीद का इल्म है। इतनी बड़ी बात है कि इल्म की एक किस्म वो है जिसके बगैर बंदे की जिंदगी कामिल नहीं होती, और वो इल्म किस चीज का है? तौहीद का इल्म है। यहाँ जरूर हमारे लिए सवालिया निशान है कि हमने तौहीद का कितना इल्म हासिल कर रखा है। तौहीद इस्लाम का सबसे अजीम रुकन है। अरकान इस्लाम में अकीदा तौहीद को अहमियत हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद जो है वो पांच चीजों पर है, जिसने पहली किया है शहादतु ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देती हूँ अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। फिर तौहीद जो है दुनिया और आखिरत की परेशानियों से निजात का बाइस है। जैसे अलामा इब्ने कय्यम फरमाते हैं, अत्तौहीदु मफ़ज़ा आदाईही व औलियाईही, यानी तौहीद खुदा के दुश्मनों और दोस्तों दोनों के लिए मुसीबत के वक्त जाए पना है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों के लिए तो समझ आती है, दुश्मनों के लिए किस तरह से तौहीद जो है वो जाए पना हो सकती है। तो इस पर हमें एक वाक्या मिलता है। अबू जहल का बेटा था इकरमा, जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, तब का उनका वाक्या है। वो एक कश्ती पर बैठकर जो है वो भाग रहे थे मक्का से कि कहीं हम भी गिर ना लिए जाए और हमें भी इस्लाम में कबूल करवा दिया जाए। अपने साथियों के साथ कश्ती में जो है वो सवार होके जा रहे थे, तो कश्ती क्या है दरमियान में पहुंचकर हचकोले खाने लग गई। और फिर जो कश्ती चलाने वाला था उसने कहा कि सब अपने अपने माबूदों को पुकार लें, कि आगे जो है वो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, पानी बहुत ज्यादा है, कश्ती हचकोले खा रही है और डूबने के करीब है। सब जो है वो अपने अपने माबूदों को पुकारने लगे, क्योंकि सब तौहीद पर तो कायम नहीं थे कि सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारते। जो जिस माबूद को इबादत करते थे उन्हीं को पुकारने लगे,
लेकिन कश्ती में कोई फर्क ना आया, बल्कि और ज्यादा हिचकोले खाने लगी और करीब था कि सब डूब जाते। उस पर हजरत इकरमा जो हैं, इनके दिल में सारी बात है ईमान सुन सुन के उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मौजूद था, लेकिन जाहरन इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे। इन्होंने उस वक्त कहा कि अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, अगर आज आप हमने हमें बचा लें तो मैं मोहम्मद यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। और इन्होंने ऐलान भी किया कि आज हमें मोहम्मद के रब के सिवा यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं आज बचा सकता। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, वो कश्ती ने भी हिचकोले खाना छोड़ दिया और पानी स्मूथ हो गया और वो किनारे पर आ लगे। और फिर हजरत इकरमा जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना ये वाकया बयान किया। तो इस तरह से जो है, जो इस तौहीद पर नहीं भी कायम थे, उन्होंने भी जब तौहीद की बात की, एक सिर्फ खुदा को पुकारा, तो अल्लाह ताला ने भी उनकी मदद की और मुसीबत से जो है उन्हें बचा लिया। कलमा तौहीद का इकरार ईमान का आला तरीन दर्जा है। जैसे हदीस में आता है, ईमान की 70 या 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं, इनमें सबसे अफसल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है, और सबसे कम तर रास्ते से तकलीफ तर चीज को हटा देना है। हया भी ईमान की एक शाख है। मुस्लिम की रिवायत आयत नंबर 35, सॉरी हदीस नंबर 35 पे। आगे हम देखते हैं तौहीद रबूबियत। अभी हमने पीछे पढ़ा था अकीदे तौहीद की बुनियादी अज्जा 3 है। पहला तौहीद रबूबियत, तौहीद अलूहियत और तौहीद अस्म व सिफात। तो हम तौहीद रबूबियत को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। रबूबियत रब से है। लुगत में रब का लफ्ज मालिक, सरदार, मुदब्बिर, मुंतजिम, मुरब्बी, निगरान और इनाम व इकराम करने वाले पर बोला जाता है। तौहीद रबूबियत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला अकेला हर चीज का खालिक और मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो ही सारी कायनात का निजाम चलाता है, जैसे हवाओं का आना, बादलों का छा जाना, बारिश बरसना, मरना जीना, सैलाबों तूफानों का आना, दिन और रात और मौसमों की तब्दीली वगैरह। वो ही बंदों का खालिक है, राजिक है, उन्हें जिंदगी बख्शने वाला है, मौत से हिमकिनार करने वाला है। और ये इकरार वाजिब है कि हम सिर्फ एक अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं। और जो इस सारी बातें आपके सामने रखी कि वाकई में इन सब पर अल्लाह ताला ही कादिर है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 35 में आता है, ए नबी, आप इन मुशरिकीन से पूछिए कि तुमको आसमानों जमीन में रिस्क कौन पहुंचाता है, या तुम्हारे आंखों और कानों का मालिक कौन है, और जानदार को बेजान से और बेजान को जानदार से कौन निकालता है, और तुम्हारे कामों का इंतजाम कौन करता है। वो जल्द ही कहेंगे अल्लाह। तुमसे पूछिए फिर तुम डरते क्यों नहीं। यानी तौहीद रबूबियत पर मुशरिकीन मक्का भी कायम थे। तौहीद उलूहियत जो है, आगे देखेंगे क्या है, उस पे जो है वो मुशरिकीन मक्का नहीं आते थे, लेकिन तौहीद रबूबियत का इकरार जो है वो मुशरिकीन मक्का भी करते थे, जैसे अभी सूरह यूनुस की आयत नंबर 31 के सामने रखी। तौहीद रबूबियत के हम दलाइल मजीद देखते हैं कुरान से। पहला पॉइंट मैं आपके सामने जो रखूंगी है कि अल्लाह ताला हर चीज का तन्हा खालिक और मालिक है। अगर हम इसका रेफरेंस चेक करना चाहें कुरान में 7 से 8 जगह पर इस चीज की दलील मिलती है कि अल्लाह ताला हर चीज का तन्हा खालिक और मालिक है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 62, अर्रात की आयत नंबर 16, अल-फुरकान की आयत नंबर 2। अगर आप इनके तर्जमे को देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पर अल्लाह ताला जो बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ही हर चीज का तन्हा खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला तमाम जहानों का पालने वाला है। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 54, अज़-ज़ारियात 58, अर-रूम 40। अल्लाह ताला ही राजिक है, रिस्क देने वाला है। हूद की आयत नंबर 6, अल-नहल की आयत नंबर 71, अल-अनकबूत 62, अज़-ज़ुख़रुफ़ 32। हदीस कुदसी है कि मेरे बंदो, अगर तुम्हारा पहला और आखिरी और तुम्हारे तमाम जिन्नो इंस एक जगह जमा होकर मुझसे मांगे और मैं हर इंसान को उसके मुतालबे के मुताबिक अता कर दूं, इससे भी मेरे खजाने में कुछ कमी नहीं आती सिवाय इसके के समंदर में सुई दाखिल करके निकाल लेने से जितनी पानी में कमी आएगी। अल्लाह अकबर। मुस्लिम की रिवायत है 2577 नंबर पर। चौथा पॉइंट है कि अल्लाह ताला ही बंदों की पुकार सुनता है। अल-बकरा की आयत नंबर 186 देखिए, इसके लिए अल-नहल की आयत नंबर 62 का तर्जमा पढ़िए। हजरत अबू मूसा बयान करते हैं कि हम एक सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। बहुत अहम बात है ये। जब हम किसी वादी में उतरते तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कहते और हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अपनी जानों पर रहम खाओ, क्योंकि तुम किसी बहरे या गायब खुदा को नहीं पुकार रहे हो, वो तो तुम्हारे साथ ही है, बेशक वो सुनने वाला और तुमसे बहुत करीब है, उसका नाम और उसकी अजमत बहुत ही बड़ी है। बुखारी की रवायत है 2992 पे, मुस्लिम 2704, मुस्नद अहमद ने 19616 पे, अबू दाऊद ने 1526 पे, तिर्मिजी में 3461 नंबर पे। तो इस हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला को आजजी के साथ चुपके चुपके पुकारना ज्यादा पसंद है, बनिस्बत इसके कि हम मजमा इकट्ठा करें और पूरे जोश व खरोश के साथ गला फाड़ फाड़ कर अल्लाह ताला का जिक्र करें। हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा जिक्र अल्लाह ताला को नहीं पसंद। आपके सामने हदीस भी रखी और कितनी किताबों में उसके रेफरेंसेस भी मौजूद हैं कि ये हदीस जो है कितनी किताबों में मौजूद है कि अल्लाह ताला सहाबा की आवाज़ें बुलंद हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी का इजहार किया और एक तरह से उन्हें डांटा कि आप किसी बहरे या गायब खुदा को नहीं पुकार रहे हो जो आवाज़ें ऊंची करनी पड़ रही हैं, बेशक वो सुनने वाला तुमसे बहुत करीब है। तो इसलिए जब जिक्र करें तो उसके लिए ज़रूरी है आजजी, इंतसारी और गिर गिराते हुए दिल के साथ लफ्जों की अच्छी अदायगी करते हुए जब हम पढ़ें तो वो अच्छा असल जिक्र है, ना कि हम ऊंची आवाजें निकाल के इकट्ठे हो के कहाँ दूर तक आवाजें जा रही हैं लेकिन ये भी पता नहीं चल रहा कि लफ्ज क्या बोल रहे हैं। तो इस चीज से रुकना है। आज पांचवा पॉइंट है कि अल्लाह ताला हर शैतान और शर से बचाता है। अलमोमिनून की आयत नंबर 98 और 97 और 98 देखिए। इसके लिए अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला है, सूरह शूरा की आयत नंबर 80। अल्लाह ताला ही औलाद देने वाला है, सूरह शूरा की आयत नंबर 49-50। अल्लाह ताला ही अता करने वाला और रोकने वाला है, सूरह फातिर की आयत नंबर 2। अल्लाह ताला ही नफा नुकसान का मालिक है, सूरह अल इनाम की आयत नंबर 17। अल्लाह ताला ही कारसाज है, सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 3। अल्लाह ताला ही हदायत देने वाला है, अल बकरा 272, अल कसस 56, अल इराफ 186। अल्लाह ताला ही वली और मददगार है, अल बकरा आयत नंबर 107, अल इराफ आयत नंबर 196-197। अल्लाह ताला ही कादर मुतलिक है, अल बकरा आयत नंबर 20। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, सूरह यासीन आयत नंबर 82। अल्लाह ताला ही नेक कामों की तौफीक देता है, सूरह हूद की आयत नंबर 88। इसीलिए हमें सिखाया गया ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कि हमारे पास ताकत नहीं है ना नेकी करने की ना गुनाह से बचने की सिवाय इसके कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दें और हमें बचा लें। अल्लाह ताला मुख्तार कुल और अजीम बादशाह है, आल इमरान की आयत नंबर 26। अल्लाह ताला ही कायनात का इंतजाम चलाने वाला है, सूरह नूर आयत नंबर 44। अल्लाह ताला के हुक्म को कोई रद्द करने वाला नहीं, सूरह रअद आयत नंबर 11 और 41। जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है, सूरह नजम आयत नंबर 44, सूरह हिज्र आयत नंबर 23। अल्लाह ताला ही किसी को बख्शने और माफ करने का इख्तियार रखता है, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 284। मुख्तसरन आपके सामने दलाइल रखे तौहीद उलूहियत रुबूबियत के। अब हम देखते हैं तौहीद उलूहियत को। तौहीद उलूहियत से मुराद पुख्ता तौर पर ये एतकाद है कि बरहक माबूद सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके अलावा हर माबूद बातिल है और इबादत के ज़ाहरी और बातनी हर किस्म अल्लाह ताला के लिए है। तौहीद की इस किस्म को यानी तौहीद उलूहियत को तौहीद इबादत भी कहते हैं। हर तरह की इबादत मसलन नमाज, रकू, सजूद, नजर व नियाज, सदका, खैरात, कुर्बानी, तवाफ, एतकाफ, दुआ, पुकार, फरियाद, इस्तियानत, इस्तियानत कहते हैं मदद तलब करना, इस्तियाजा पना तलब करना, रजा तलबी, तवक्कुल, खौफ, मोहब्बत, सब की सब सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अतात व फरमाबरदारी के एतबार से तौहीद इबादत ये होगी कि जिंदगी के तमाम मामलात में अतात और फरमाबरदारी सिर्फ अल्लाह के हुक्म और कानून की जाए, किसी और के हुक्म या कानून की पैरवी करना ख्वाह वो अपना नफ्स हो या आबाओ अजदाद या मजहबी पेशवा हो या सियासी रहनुमा, शैतान या तागूत, ये शिर्क फिल इबादत होगा। अरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह यानी माबूद बना लिया हो। इस आयत में वाज़ेह तौर पर नफ्स की पैरवी को अपना इलाह बना लेना कहा गया है जो कि शिर्क है। तौहीद उलूहियत ही असल तौहीद है, क्योंकि उलूहियत का अकीदा ही वो अकीदा है जिसकी दावत लेकर तमाम पैगंबर मबूस हुए।
यही दीन की इब्तिदा और इंतहा है और पैगम्बरों की पहली और आखिरी दावत है। इसी के लिए किताबें नाजिल की गईं, जहाँ तलवारें सौंती गई और मोमिनों और काफिरों के दरमियान जो है वो फर्क किया गया। जैसे सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 25 पहले भी आपके सामने रखी कि ऐ पैगम्बर, आपसे पहले हमने जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ यही वही की कि मेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, लिहाजा तुम मेरी ही इबादत करो। जब खालिक, राजिक, मालिक, मुदब्बिर, जिंदा करने वाला, मारने वाला, तमाम सिफात कमालिया जो है वो अल्लाह ताला ही से मुतसिफ हैं, तो वही सबसे ज्यादा मुस्तहिक है कि उसकी इबादत भी की जाए। दर हकीकत तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत का ही तकाजा है कि जो सब कुछ करने वाला है इबादत भी उसी की करनी चाहिए। तौहीद उलूहियत के दलाइल देखें कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की करनी चाहिए। अल-फातिहा की आयत नंबर 4, अल-बकरा आयत नंबर 21, अन-निसा आयत नंबर 36, अल-इस्रा आयत नंबर 23, अज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 64। इसका आप तर्जमा पढ़ें तो आपको दलील मिलेगी कि इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ही कर सकते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए मुआज़, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला का उसके बंदों पर क्या हक है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हक ये है कि सिर्फ उसकी इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। फिर फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों का अल्लाह पर यह हक है कि जब वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए तो अल्लाह भी उन्हें अजाब ना दे। बुखारी की रिवायत है 7373 नंबर पर। इबादत की तमाम इकसाम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हैं, सूरह अनआम की आयत नंबर 162-163। हजरत इब्ने मसूद से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने दौरान तशहुद पढ़ने के लिए ये कलमात सिखाए। ये जो हम तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावात, उसका तर्जमा भी गौर कीजिएगा, मेरी कोली, फेली और माली इबादतें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी, आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और बरकत हो, हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अगर हम इबादत की बात करें, इबादत का लुग़वी माना है इंतहा दर्जा की आजजी, इनकसारी और गुलामी। फिर से बताती हूँ, इबादत का लुग़वी माना है इंतहा दर्जा की आजजी, इनकसारी और गुलामी। इबादत अब्द से है और अब्द का माना है बंदा, गुलाम। आबिद इबादत गुजार को कहते हैं, आबिद इबादत गुजार को कहते हैं, और माबूद उसे कहते हैं जिसकी इबादत की जाए। शरण इबादत की तारीफ इन अल्फाज में है कि इबादत ऐसे जामे लफ्ज है जो इन तमाम जाहरी और बातनी अकवालो आमाल पर बोला जाता है जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करता है और जिनसे राजी होता है, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, भली बात कहना, सिला रहमी करना, दुआ, जिक्र, तिलावत कुरान और इससे दीगर इबादत। इबादत के बुनियादी तीन अरकान हैं। इबादत के बुनियादी तीन अरकान हैं। पहला है अल्लाह ताला की कामिल मोहब्बत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह से मोहब्बत में शदीद तर हैं। अल्लाह ताला से कामिल उम्मीद रखना, वो यरजून रहमतहू, और वो यानी अहले ईमान इसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला का कामिल खौफ, व यखाफून अज़ाबहू, और वो यानी अहले ईमान उसके अज़ाब से खौफ में रहते हैं। ये तीन बुनियादी अरकान है इबादत के, और इन तीनों अरकान को सूरह फातिहा में भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। पहली आयत में मोहब्बत का जिक्र है क्योंकि इसमें जहानों के परवरदिगार का जिक्र है जो बंदों पर इनाम और इकराम भी करता है, और बिला शुबा जो इनाम और इकराम करे उससे मोहब्बत की जाती है। दूसरी आयत में उम्मीद का जिक्र है क्योंकि जो भी रहमत और शफकत के साथ मुतसिफ हो उससे उम्मीद की जाती है, यानी अर्रहमान अर्रहीम में सिफात है अल्लाह ताला की। तीसरा मालिक यौमिद्दीन। तीसरी आयत में खौफ का जिक्र है क्योंकि जो रोज़े क़यामत जजा हिसाब का मालिक है उसके अजाब से डरा जाता है। इबादत की इकसाम को देखते हैं, अहले इल्म इबादत की तीन इकसाम बयान करते हैं। जुबानी इबादत जैसे दुआ,
फरियाद और जिक्र अजकार वगैरह, और बदनी इबादतें जैसे क्याम और रुकू और सजूद वगैरह। फिर इसी तरह से माली इबादतें जैसे नजर, नियाज और कुर्बानी वगैरह। और ये सब किसके लिए होंगी, अभी हम पढ़ चुके तौहीद उलूहियत कि ये सारी हर किस्म की इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। जैसे यहाँ पे खसूसा माली इबादत में आया नजर व नियाज की बात, कुर्बानी की बात। हम किसी और के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए जो है नजर नहीं मान सकते, उनके लिए कोई नियाज नहीं कर सकते, उनके नाम की, किसी और के नाम की कुर्बानी नहीं कर सकते। सिर्फ अल्लाह के नाम की हम नजर मान सकते हैं, या नियाज का मतलब कुछ खाना बनाना, जैसे हमारे यहाँ देगें चढ़ाई जाती हैं, तो अल्लाह के नाम की हो, ना कि किसी बुजुर्ग के नाम की। बुजुर्ग जो हैं वो अल्लाह के नेक बंदे हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन अपनी जिंदगियां गुजारी, वो अल्लाह को राजी करके इस दुनिया से चले गए। लेकिन जो उनके पैरोकार हैं वो गलत उससे फायदा उठाने लगते हैं, गलत बातें, गलत अकायद जो है वो लेकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं। तो इसलिए तौहीद को समझें और हक की पैरवी करें। और जुबानी इबादत में जैसे दुआ की बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत है, हमने दुआ के बारे में पीछे देखा भी था, उदो रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, सूरह अल इराफ की आयत नंबर 55 है, तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो गिड़ गिरा कर और चुपके चुपके। देखिए अल्लाह ताला खुद हमें सिखा रहे हैं यहाँ पर गिड़ गिराने की बात और चुपके चुपके, तज़र्रुअन व खुफिया। हमें कहीं कुरान में ऐसी दलील नहीं मिलती जिसमें अल्लाह ताला कहते हो कि ऊंचा पुकारे मुझे। तो इसलिए जहां भी बात आई, यही आई, आजिज़ी की बात आई और खामोशी के साथ, आहिस्तगी के साथ, दिल के साथ पुकारने की बात आई। और हम खुद भी जितना आहिस्ता दिल से मांगते हैं, आजिज़ी से मांगते हैं, उतना ही हमारा दिल भी पुरसुकून होता है। बजाय ये कि जब हम सब इकट्ठे बैठकर कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारा ईमानी लेवल किसी हद तक कम हो जाता है, जब हम सब ऊंची आवाज से अपना अपना पढ़ रहे हों या इस तरह से। लेकिन जब खामोशी से हम अकेले में हों तो हम ज्यादा अल्लाह ताला को अपने करीब महसूस करते हैं, और करना भी चाहिए। तीसरा जुज क्या था? अकीदा तौहीद के बुनियादी अज्जा में पहला तौहीद रबूबियत जो कि रब से है, और तौहीद उलूहियत यानी तौहीद इबादत। तीसरा तौहीद अस्म व सिफात, अल्लाह ताला के अस्म व सिफात के हवाले से, जैसे पहले भी आपके सामने बात रखी कि अल्लाह ताला के अस्म व सिफात का जरूर इल्म हासिल करें। तौहीद अस्म व सिफात में आपको अल्लाह ताला का तारुफ मिलता है कि वो जात क्या है, उसके अंदर क्या सिफात हैं। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ खुद अस्म व सिफात के जरिए से करवाया। हमारे यहाँ तो यही है ना कि 99 अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, जबकि अल्लाह ताला के 99 से ज्यादा सिफाती नाम है। कुछ का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया, कुछ अल्लाह ताला ने सिफात अपनी अहादीस में बताई, कुछ सिफात अल्लाह ताला ने सिर्फ फरिश्तों को बताई, उनका इल्म सिर्फ फरिश्तों को है, और कुछ सिफात अल्लाह की ऐसी हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास, अल्लाह ने किसी को नहीं बताया। तो आप तौहीद अस्म व सिफात पे अगर हम बात करें तो बहुत डिटेल है और हमारा वक्त पूरा हो चुका है। आप को मैं जरूर कहूंगी कि आप तौहीद का इल्म जो है वो हासिल करें, और इसकी फजीलत को आप जान चुके हैं। अगर आप ये सारी फजीलतें समेटना चाहते हैं तो फिर तौहीद अस्म व सिफात का इल्म हासिल करें। और पिछले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह एक कोर्स कंप्लीट भी करवाया मैंने इकरारे तौहीद रद्दे शिर्क के नाम से। तो आप में से जिसने किया है उसको तो मुबारक हो कि वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक उसने तौहीद के इल्म को सीखा। जिसने वो कोर्स नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर प्ले स्टोर में विजिट कर सकते हैं, इकरारे तौहीद रद्दे शिर्क के नाम से वहां पर कोर्स मौजूद है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, मुख्तसर में ड्यूरेशन में ही उसमें काफी बातें बताई गई हैं। तो आप जिन्होंने नहीं किया उनको मैं कहूंगी आप जरूर आज ही चैनल को विजिट करें और वहां से वीडियोस जो है वो देखें, और तौहीद का बाकायदा इल्म हासिल करें। वहां आपको तौहीद अस्म व सिफात के बारे में भी गाइडलाइन मिल जाएगी। और दूसरा अस्म व सिफात के बारे में मैंने आपको गाइड किया था कि उस्ताद निगहत हाशमी का कोर्स है, जो उनकी वेबसाइट www.alnoorpk.com में आप जाएंगे, वहाँ अस्म व सिफात के नाम से कोर्स मौजूद है, आप वो भी सुन सकते हैं। आजकल वैसे भी रमजान है, हमारा दिल चाह रहा है खुसूसन निकियां करने को, तो अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर रमजान में तौहीद अस्म व सिफात को भी जरूर पढ़ें। और दूसरी आपसे बात ये करनी थी।